आयरन डोम हवाई रक्षा कवच के बाद अब इसराइल दुनिया की मिसाइलों को हवा में ही खत्म करने के लिए लेजर की दीवार बनाने जा रहा है। इसराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने देश की सुरक्षा में इस बड़े तकनीकी बदलाव का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इसराइल को चारों ओर से लेजर की दीवार से घेर दिया जाएगा ताकि मिसाइलों को बीच रास्ते में ही तबाह किया जा सके। बेनेट ने एक सुरक्षा कॉन्फ्रेंस में कहा कि इसराइल तेजी से लेजर तकनीक को तैनात करने जा रहा है ताकि देश को रॉकेट हमलों से बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि अगले एक साल के अंदर देश के दक्षिणी हिस्से में ये लेजर की दीवार बनाकर खड़ी कर दी जाएगी। इसराइली पीएम ने यह भी माना कि आयरन डोम सिस्टम बहुत खर्चीला है। इसराइल की इस लेजर दीवार के बारे में अभी बहुत कम जानकारी सामने आई है, लेकिन माना जा रहा है कि इसे जमीन, हवा और समंदर में तैनात किया जाएगा। इसराइल इस लेजर दीवार की तैनाती करके अपने सबसे बड़े दुश्मन ईरान और उसके सहयोगी हमास को चेतावनी देना चाहता है। इसराइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर एक मिसाइल या रॉकेट को कुछ डॉलर के एक इलेक्ट्रिक पल्स के जरिए निशाना बनाया जा सकता है तो हमें उस आग के दरिया को बर्बाद करना होगा जिसे हमारी सीमा पर ईरान ने बना रखा है। उन्होंने ये भी कहा कि ये नए तरीके का डिफेंस सिस्टम हमारे दोस्तों को भी मदद कर सकता है। बता दें कि इसराइल ने पिछले साल जून महीने में एयरबॉर्न लेजर गन की मदद से कई बार टेस्ट में ड्रोन विमानों को मार गिराया था। इसराइल ने इस शानदार उपलब्धि को मील का पत्थर करार दिया। ये घातक इसराइली सिस्टम किसी भी उड़ती हुई चीज़ जैसे ड्रोन, मोर्टार, रॉकेट, मिसाइल को हवा में ही मार गिराने में सक्षम है। इसराइल ने ये कारनामा ऐसे समय पर कर दिखाया जब दुनिया भर में भविष्य में ड्रोन युद्ध की आशंका तेज होती जा रही है। इसराइल की फॉरेन मिनिस्ट्री के मुताबिक इस परीक्षण के दौरान एक छोटे से यात्री विमान पर हाई पावर लेजर सिस्टम को लादा गया। इस लेजर सिस्टम ने हवा में ही कई ड्रोन विमानों को सफलतापूर्वक तबाह कर दिया। ड्रोन, मोर्टार, रॉकेट, मिसाइल को बर्बाद करने वाले इस सिस्टम के नमूने को अगले 3 से 4 साल में बना लिया जाएगा। आयरन ड्रोन सिस्टम रॉकेट हमले रोकने में प्रभावी है लेकिन काफ़ी महंगा है। लेजर की ये दीवार इसराइल को और शक्तिशाली बना देगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। देश और दुनिया की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म TV9 भारतवर्ष। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब, ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।